हेलो फ्रेंड्स, मेरे नाम से आमिर, आप देख हमारे सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। तो हे गाइस, आज के वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज कि आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ कैसे आप सब एक प्रो प्लेयर बन सकते हो। बिकॉज कि पहले तो पबजी मोबाइल चलता था, पबजी मोबाइल में काफ़ी सारे लोग खेलते थे, अब आ चुका है बीजीएमआई में बहुत सारे लोगों ने न्यू प्लेयर ने ज्वाइन किया, और बहुत सारे जो पुराने प्लेयर है वो सब भी अच्छा तरीका से अभी भी खेल नहीं पाते हैं। तो मेन उसका रीज़न क्या है, कैसे आप सबका केडी बढ़ेगा और कैसे आप से एग्रेसिव होकर खेल सकते हो, कैसे आप से रश करके खेल सकते हो, और गेम प्ले के साथ दिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार से खेल रहा हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात को आपको ध्यान देना है अगर आप सब 7 दिन के अंदर प्रो प्लेयर बनना चाहते हो। ओनली 7 डे के अंदर, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आप सब 1 महीना ट्राई करो, ओनली 7 डे को इस ट्रिक को ट्राई करना, टिप्स एंड ट्रिक को, आप सब एक प्रो प्लेयर बन जाओगे। तो वीडियो को आप सब शुरू से अंत तक देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात रखता है जो कि गेम खेलते समय आपका डिवाइस। तो पहले आप सब करो मुझसे बताओ आपके पास कौन सा डिवाइस है, कितने जीबी रैम का फ़ोन है, 2 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी, एक बार कमेंट्स में आप सब बताना। और आपके पास कम से कम 4 जीबी का फ़ोन होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम जितना भी हो सकता है 6 जीबी, 8 जीबी, 12 जीबी, जो भी रैम का फ़ोन है वो चलेगा, पर कम से कम आपके पास 4 जीबी का रैम होना ज़रूरी है जिसके द्वारा आप सब अच्छा तरीके से खेल पाओगे। मैं मानता हूँ बहुत सारा 3 जीबी रैम पे, 2 जीबी रैम पे भी खेले हो बहुत सारा प्लेयर, पर वो सारे प्लेयर के पास स्किल है, बहुत अच्छा खेलते हैं, पर उनके पास फाइनेंशियल थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जिस वजह से वो सही तरीके से खेल नहीं पाते गेम को, क्योंकि उनका डिवाइस लो लेवल का होता है। तो उन सभी का फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। आपसे कौन सा बताना, आपके पास पहला डिवाइस कौन सा है, और मेरे हिसाब से कम अगर आपके पास डिवाइस होना चाहिए 4 जीबी रैम का होना चाहिए था, तो आप बहुत अच्छे तरीके से खेल पाओगे। तो टिप 2 ये है कि अगर आप सब गेम को खेल रहे हो तो सबसे पहले आप सब कितने फिंगर से गेम को खेल लो, 2 फिंगर से खेल लो, 4 फिंगर से खेल लो, या 6 फिंगर से खेल लो, ये भी आपसे कौन बॉक्स में बताना। तो कम से कम जो रिक्वायरमेंट होता है अगर आप सब गेम खेल रहे हो, कम से कम आप सब 3 फिंगर से गेम को खेलो। अगर आप सभी के साथ 4 फिंगर नहीं खेला जाता है तो कम से कम 3 फिंगर से ज़रूर खेलो। अगर आप सब 3 फिंगर से खेलोगे तो आप सब काफ़ी अच्छा तरीका से जॉयस्टिक को कंट्रोल कर पाओगे और सामने वाला को कॉम्पीट कर पाओगे। बाकी अगर आप सब 4 फिंगर से खेलते हो, 5-6 फिंगर से खेलते हो, तब एक अच्छा आप सब प्रो प्लेयर बहुत ही तेज़ी से बन पाओगे। तो अगर आप सब 7 दिन के अंदर कुछ अच्छे लेवल तक प्रो प्लेयर बनना चाहते हो और मैक्स लेवल तक प्रो प्लेयर बनना चाहते हो, तो पहले का फर्स्ट दिन आप सब ट्राई करो 3 फिंगर से, सेकंड दिन ट्राई करो 3 फिंगर से, और तीसरे दिन में आपको प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा 3 फिंगर का। उसके बाद आप सब शिफ्ट हो जाओ 4 फिंगर के ऊपर, चौथे दिन 4 फिंगर पर ट्राई करो, पाँचवें दिन 4 फिंगर ट्राई करो, और 7वें दिन तक आप सब देखोगे आप बहुत ही अच्छा गेम को खेल पाओगे। और आप सब टेडियम आपको डेली कम से कम आपको खेलना है, 1 से 2 घंटा आपको टेडियम जरूर खेलना है। आपको 3 फिंगर 4 फिंगर हो सकता है आप सब एक भी प्लेयर को नहीं मार पाओगे, आप सब कंट्रोल करोगे तो आपका जॉयस्टिक ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसा दिक्कत होता है सभी के साथ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको 3 फिंगर से आज से स्टार्ट कर देना है अगर आप सब प्रो प्लेयर बनना चाहते हो। तो टिप नंबर 3 ये है कि अगर आप सभी के पास कोई अच्छा फ़ोन नहीं है, तो फ़ोन में जितना भी चीज़ अचरा कचरा चीज़ होता है, जैसे कि अगर आप सब कुछ ऐसी एप्लीकेशन को गेम के अंदर डाल के रखे हो मोबाइल के अंदर जिसका आपको यूज नहीं रहता है, बहुत सारे फ़ोन के डिवाइस लो लेवल के रहते हैं पर वो सब बहुत सारे एप्लीकेशन को, बहुत सारे गेम को डाउनलोड कर लेते हैं, जिस वजह से उनका डिवाइस होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, उनका प्रोसेसर स्लो हो जाता है। तो आप सभी को करना कि आपने अपने डिवाइस पर चेक करना है कौन कौन सा एप्लीकेशन फालतू है, उन सभी को अनइंस्टॉल कर देना है, उसको हटा देना है, जिससे आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा डिवाइस चलेगा और आप काफ़ी अच्छा तरीका से गेम का खेल पाओगे और प्रो प्लेयर बन पाओगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें, बाकी आपको अब बताता हूँ मैं मैक्स लेवल के बाद जो कि इंपॉर्टेंट रखता है। तो टिप 4 ये है कि आप सभी को अपना सेंसिटिविटी ठीक करनी है। अगर आप सबको सेंसिटिविटी ठीक करनी है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप सब देख लेना, उसके द्वारा अपने डिवाइस के हिसाब से आप सब सेंसिटिविटी ठीक कर सकते हो। आपके डिवाइस में कौन सा ग्राफिक्स लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए था, वो सब के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा हूँ। तो इसको इम्पॉर्टेंट है अगर आप सब प्रो प्लेयर बनना चाहते हो, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँ, वो भी आप सब चेक कर सकते हो। तो अगला जो टिप्स है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है, आप सब जब भी गेम को खेलते हो तो सबसे पहले आप सब क्या खेलना चाहिए, टीडीएम खेलना चाहिए, या फिर आप सभी को ट्रेनिंग मोड पर ट्राई करना चाहिए, या फिर आप सभी को क्लासिक खेलना चाहिए। ज़्यादा देर किस में खेले, किस चीज़ से ज़्यादा खेले जिससे मुझे प्रॉफिट होगा, जिसके द्वारा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो सबसे बेस्ट क्या होता है, तो सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है कि आप सब टीडीएम खेलो।
TDM खेलोगे तो एग्रेसिव खेलना सीख जाओगे, मतलब सामने वाला बंदा को देखोगे, और कभी 3x के 4x से ट्राई करो, कभी आपसे 2x पे ट्राई करो, रेड डॉट पे ट्राई करो, आपसे अलग अलग गन पे ट्राई करो, AKM पे ट्राई करो, M4 पे ट्राई करो, स्काडल पे ट्राई करो, और जितने भी गन होते हैं Kar98, AWM सब पे ट्राई करो। AWM भी तो आपको मिल ही जाता है वैसे, उस पर दिक्कत नहीं। Kar98 भी, SKS हो गया, पिस्टल हो गया, सभी पे आप ट्राई किया करो TDM के अंदर। उससे ये होगा कि सभी गन पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जब भी आप सर रश करने के लिए उतरोगे तो होगा ऐसे कि आपको हमेशा AKM आपके हाथ में नहीं रहेगा, हो सकता है कभी आपको पेन मिल जाए, ताबा भी मिल सकता है, कभी आपको पिस्टल ही मिल सकता है, कभी आपको AKM ही मिल सकता है, कभी आपको M4 ही मिल सकता है। तो हमेशा आप सिर्फ एक ही गन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको हर एक गन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना है कि आपके पास कोई भी गन रहे तो सामने वाला को आप सब मार गिराओ, जिससे आपका किल ही बढ़ेगा और आप सब बहुत ही प्रो प्लेयर बन पाओगे। तो अगला जो टिप्स है कि आप सभी को जब भी मैप खेलते हो तो मैप में कहाँ उतरना चाहिए। अगर आप सब अपना प्रो प्लेयर बनना चाहते हो तो मैं बोलूँगा आप सब एकदम जहाँ पर रश होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग उतरते हैं, जिसे हम सब हॉट ड्रॉप बोलते हैं। तो बहुत सारे न्यू प्लेयर होंगे, जो पुराने प्लेयर होते हैं उसे तो पता है हॉट ड्रॉप क्या होता है, जो न्यू प्लेयर है उनको पता नहीं होगा हॉट ड्रॉप क्या होता है। तो जहाँ पर ढेर सारे लोग उतरते हैं, समझ लो पोशंकी हो गया, और आपका जॉर्जो पुल हो गया, मिलिट्री बेस हो गया, नोबो हो गया, और बाकी और भी जगह है। वैसे मैं बोलूँगा पोशंकी उतरो, अगर मैप जब जाता है प्लेन तो पोशंकी उतरो। पोशंकी में लूट भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है अभी, जॉर्जो पुल में लूट अच्छा नहीं मिल रहा है, नोबो में लूट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो अगर आप सब नोबो जाते हो, जॉर्जो पुल जाते हो, मेरे हिसाब से लूट एकदम बकवास सा मिल रहा है। तो एक बार बताना कि आपको लूट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। वैसे मेरे हिसाब से लूट अच्छा नहीं मिला है, अभी पोशंकी में काफ़ी अच्छा लूट मिला है। आप सब पोशंकी को हॉट ड्रॉप फिर से बनाओ, पहले वाला याद ताज़ा हो जाएगा। बाकी पोशंकी में मुझे काफ़ी अच्छा किल मिला था, इसलिए मैं बार बार पोशंकी उतर के रश करके मैं काफ़ी अच्छा तरीका से खेल पा रहा था, और गेम प्ले के साथ आप सब देख भी पा रहे हो, मैं कोई झूठ वूठ बोल नहीं रहा हूँ। तो बाकी मैं कैसा खेल रहा हूँ आपसे करों से बताना कि मैं किस प्रकार से खेल रहा हूँ, और जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक आपको बताया इन सभी बातों को फॉलो करो। ये Part 1 वीडियो है, Part 2 वीडियो में आपको और भी बात मैं बताऊंगा कैसे आप सब प्रो प्लेयर बन पाओगे, बिकॉज कि ज़्यादा लंबा मैं वीडियो कर दूंगा तो हो सकता है आप सब देख नहीं पाओगे। तो Part 2 वीडियो का आप सब इंतजार करो, और कमेंट बॉक्स में #Part 2 लिख देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक कर दो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, बिकॉज हम सभी को 2 मिलियन फैमिली मेम्बर इस साल कंप्लीट करना है। तो मेक श्योर आप सब सपोर्ट दिखाओ, बाकी मैं अपने तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मैं फिर मिलता हूँ अगले दिन एक वीडियो साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।